विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद। पीएम ने कहा, 9 सालों में हुआ सबका साथ सबका विकास, देश होगा विकसित, यह मोदी की गारंटी। कांग्रेस नेता के धीरज साहू के भ्रष्टाचार को लेकर जयपुर की सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता, पुतला दहन कर कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता के कैश कांड को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हल्ला बोल, यूपी के उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पुतला फूंका कांग्रेस का, राहुल सोनिया की चुप्पी पर सवाल। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों से मिले 290 करोड़ कैश पर बीजेपी नेता बीडी शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की गारंटी है, भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 3 ठिकानों पर अभी भी जारी है इनकम टैक्स की रेड। आयकर विभाग के मुताबिक अभी तक 290 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। कांग्रेस नेता कैश कांड को लेकर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर सीधा प्रहार किया है। कांग्रेस नेता पर जो ये आरोप लगे हैं और जिनके ठिकानों से बरामदगी हो रही है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और करप्शन सगी बहने हैं, एक को लाओ दूसरी अपने आप आ जाती है। धीरज साहू के परिवार के लोगों के यहां भी छापेमारी। ओडिशा के बालंगारी में एक रिश्तेदार के यहां कैश मिला है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पश्चिमी ओडिशा की सबसे बड़ी देशी शराब की कंपनियों में से एक। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा मोहब्बत की एक दुकान की एक फ्रेंचाइजी से 200 करोड़ मिले हैं, जनता से लूटे गए पैसे का हिसाब लिया जाएगा, यह है मोदी की गारंटी। आईएसआईएस आतंकी साजिश के मामले में एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र में 44 जगहों पर एनआईए की रेड पड़ी है। आईएसआईएस मॉड्यूल पर एनआईए का कड़ा प्रहार, 44 ठिकानों पर सुबह सुबह रेड हुई। कर्नाटक और महाराष्ट्र से 15 लोग गिरफ्तार किए गए। फिरोजपुर सीमा के पास बीएसएफ ने बरामद किया है संदिग्ध ड्रोन, नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश को नाकाम किया है हमारे बीएसएफ। बिहार के भगवानपुर में ईडी की दबिश हुई। 2016 के टॉपर घोटाले के आरोपी बच्चा राय के ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। बच्चा राय पर ईडी की जमीन कब्जाने का आरोप है। छत्तीसगढ़ सीएम के लिए रायपुर में कल विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक में तीनों पर्यवेक्षक और प्रभारी रहेंगे मौजूद। सोमवार को मध्यप्रदेश राजस्थान के विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे राजस्थान के विधायकों के से संवाद। शाम 5 बजे ऑनलाइन जुड़ेंगे सभी विधायक, भेजे गए हैं उनको लिंक्स। राजस्थान विधानसभा चुनाव में विजयी 8 में से 6 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। बागियों के खिलाफ निलंबन या निष्कासन का फैसला वापस ले सकती है बीजेपी। विधानसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस का मंथन, मिजोरम के बाद अब राजस्थान में हुई हार की समीक्षा। कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिली हार की समीक्षा हुई थी। राजस्थान में चुनाव नतीजों के हफ्ते भर बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निकाली अपनी भड़ास, कहा बीजेपी के पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं। कन्हैया कांड को हवा देकर मुद्दों से भटका दी बीजेपी। मध्यप्रदेश की हार को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में सौंपी कमलनाथ को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के सामने मध्यप्रदेश के नेताओं ने रखा लोकसभा चुनाव की रणनीतियों का खाका। तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने शपथ ली। नव नियुक्त विधायकों को शपथ अब वो दिलाने वाले थे, लेकिन कुछ बीजेपी के विधायकों ने शपथ नहीं। तेलंगाना के नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने उन्हें शपथ दिलाई।